तो लड़के लड़कियों कैसे हो? सब बढ़िया। तो बात ऐसा है कि मैं अभी पटना हूँ अपने मासी के घर। तो कल का व्लॉग मैंने शूट करा था, पर मैंने बीच में ही शूट ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा दो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, मतलब चंदाहा से पटना आने का, तो बार बार एक ही सीन को रिपीट नहीं करना चाहता था। तो फिर मैंने सोचा क्यों घिसा पिटा व्लॉग दोबारा आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो वीडियो डाल रखे हैं। तो आज सुबह में ही मासी लोग चले गए, 6 बजे का उनका ट्रेन था, और घर में हम दो लोग बच गए, एक मैं और हमारा एक डॉगी लुई। तो अभी हम ही दोनों हैं। हम लोग को 4 दिन ऐसे ही बिताना है, पता नहीं कैसे कटेगा क्योंकि कोई नहीं है घर में। तो पूरा घर जो है हमारा वो पूरा एकदम खाली खाली सुना सुना सा लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है कुछ करने का। टीवी भी देखने जा रहे हैं पर मज़ा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे दिन कटता है, और आप लोग को भी दिखाएंगे व्लॉग कि कैसे अकेले 4 दिन काटना है। मैंने एक बच्चे को भी बुलाया है, मेरे मासी का एक भतीजा है, उसको छोटा है, तो वो भी रहेगा साथ में, तो थोड़ा सा मन भी लगेगा खेल। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, जो हमारे मौसा जी है उन्होंने छत पे एकदम गार्डन से लगा रखा है, बहुत अच्छा अच्छा एकदम गुलाब का फूल है, मतलब खिला हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। बहुत सुंदर है, पूरे में एकदम प्लांट लगा रखे हैं। अभी ये लुई नीचे चली गई थी, दौड़ के आ गई है ऊपर, और आप लोग देख सकते हैं पूरे में छत पे एकदम पौधा पौधा लगा रखे हैं। यहाँ पे छोटा सा एकदम गुलाब का एक गमला है, इसे कितना प्यारा सा गुलाब है। यहाँ पे गुलाब है। A few moments later. हेलो हेलो, देख सकते कितना मस्त से एकदम खेल रहा है मेरे साथ, है ना लोई? वहाँ देखो, हेलो हेलो कर दो। फिलहाल के लिए हम और लुई है घर में, और अभी तक खाना नहीं खाई है लुई, पता नहीं क्यों, भूख नहीं है, भूख है कि नहीं? अच्छा बैठ बैठ। जो भी फास्ट फूड होता है वही ज़्यादातर ये खाना पसंद करती है, चाउमीन जैसे में, है ना? लोगों को चाउमीन खिलाना होगा या फिर अंडा वंडा खिलाना होगा तभी खाएगी। अभी तक खाना नहीं खाई, सब्जी रोटी खिलाने के लिए कोशिश किए थे पर खाई नहीं। देखते हैं क्या खाती है, इसके लिए बनाया जाएगा जो खाएगी। A few moments later. तो आप लोगों ने देखा कितना प्यारा गार्डन है छोटा सा। अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा सनलाइट ज़्यादा है, इसलिए शाम को आई थिंक मैं ऊपर टेरिस पे आऊँगा तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत प्यारा लगता है देखने में, पता नहीं कैमरे में कैसा रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ है वो तो नहीं पता मुझे, जब देखेंगे तो पता चलेगा। अभी नीचे जा रहे हैं टेरिस से, और यहाँ पे लुई पहले ही भाग के आ चुकी है। लुई, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है तो वो अपना लाइट जला लेते हैं, जो हमारा लाइट है रिंग लाइट, तो ये मैंने जला लिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे, मन नहीं लग रहा, टीवी भी देखने का दिल नहीं कर रहा है, पता नहीं 4 दिन कैसे कटेगा सच में। और लुई जो है वो खाना ही नहीं खा रही है, वो अलग ही मतलब उसका चल रहा है, तो उसके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा आई थिंक। पूछ लेते हैं मौसी से कॉल करके क्या खाती है, तो वो बनाएंगे और खिलाएंगे। और आप लोगों को डेली वीडियो 3-4 दिन तक मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सुबह मतलब जाना 6 बजे आई थिंक यहाँ से निकल जाएंगे, सुबह जंदाहा ऑफिस जाना है और शाम को रिटर्न भी आना है, क्योंकि फिर लुई घर में अकेली पड़ जाएगी इस वजह से। और ये बात मैंने मासी को नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं, छुट्टी नहीं मिला तो प्राइवेट जॉब ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों ने चाहा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और तभी मैं जॉब छोड़ पाऊँगा फाइनली, क्योंकि जॉब मुझे पसंद ही नहीं है किसी के अंडर काम करना, यही है। थोड़ा सा मूवी वूवी देखेंगे। एक मैंने कुछ देर पहले इंस्टा पे डाला था मूवी, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फ़ोन में एक बार चेक कर लेता हूँ।
जॉम्बी का नेटफ्लिक्स पे बहुत मस्त एकदम मूवी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है तो मैं बता, ऑल ऑफ अस आर डेड मूवी है, कोरियन है, बहुत मस्त है। मतलब आप लोगों को अगर जॉम्बी मूवी पसंद है तो आप लोग इस मूवी को नहीं देखा तो क्या देखा ऐसा कुछ, क्योंकि एकदम तगड़ा मूवी है। मतलब एक एक घंटे का एपिसोड है, 12 एपिसोड है टोटल सीजन 1 में, तो आप लोग देखिएगा, बहुत मस्त एक मूवी है। आप लोग का एकदम मन करेगा कि कभी ख़त्म ही ना हो, देखते रहे। क्योंकि मेरा ऐसा सीन है कि अगर मैं कोई मूवी देखने के लिए बैठता हूँ और मुझे अच्छा लग जाता है तो एक ही दिन में उसको मैं समाप्त कर देता हूँ, एक ही दिन में ख़त्म। जैसे कि मुझे मिर्जापुर बहुत अच्छा लगा था, मैंने एक ही रात में ख़त्म कर दिया। डेथ नोट ये भी एक मस्त मूवी है, ये भी बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा ऐसा कुछ सीन है कि अगर मैं वेब सीरीज है और मुझे देखना है तो एक ही बार में मतलब पूरा वेब सीरीज ही देख दें। जैसे कि जॉम्बी वाला जो मूवी था वो मैंने पूरे रात भर देखते देखते ख़त्म कर दिया सुबह तक। ऑफिस जाना है फिर भी मैंने देखा, कुछ ऐसा सीन है, मुझसे रहा ही नहीं जाता। मतलब मूवी देखने के मतलब इंटरेस्टिंग अगर लग जाए तो उस मूवी को पूरा ख़त्म ही कर देना है। तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा। आई थिंक कितना 60 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ेगा। सुबह जाना है ऑफिस चंदाहा और शाम को फिर रिटर्न हो जाना है, क्योंकि अगर ऐसा मैंने नहीं करा तो लुई अकेले रह जाएगी और इसी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ और यही नहीं कर पाऊँगा तो वो भी सही नहीं है। आई थिंक टाइम हुए हैं 12:27, आप लोग देख सकते हैं, शायद फोकस नहीं हो रहा होगा तो आप लोग देखिए 12:27 ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और अभी तो पूरा दिन बाकी है और रात बाकी है। तो अभी मैं लुई के खाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ क्योंकि वो अभी तक खाए नहीं है, 12:30 होने को है। तो आप लोग वीडियो को ऐसे करने को देखिए। 5 hours later. हेलो एवरीवन, तो अभी मैं सो के जस्ट उठा हूँ, मतलब ऐसा सोया है कि अभी शायद आई थिंक टाइम हो चुका है 7 बज गया, मतलब कि 2:30 बजे सोया था और शाम के 7 बज चुके हैं। तो खाना भी कुछ बनाना है, तो देख सब्जी तो है, मैंने देख लिया सब्जी है, सिर्फ रोटी या चावल बना लेंगे रात के लिए और फिलहाल के लिए। तो थोड़ा सा फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है तो मोमो खा लेंगे, अब देखते हैं कोई बच्चा अगर होगा बाहर तो उसे मंगवा लेंगे। मैं खुद जा सकता था बट क्या है कि जो लुई है वो बहुत ज़्यादा भौंकने लगती है, अकेले नहीं रह सकती, तो इस वजह से तो देखते हैं कोई बच्चा मिलता है तो मोमो मंगवा के उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। A few moments later. तो एवरीवन आ चुका है हमारा मोमो, तो देख सकते हैं, और इधर लुई भी एकदम रेडी है खाने के लिए, तो ठीक है खा लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। और ये देखिए ना खाने के लिए कैसे कर रही है, ठीक है मैं खा के उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। A few moments later. Hey everyone, तो अभी मैं मोमो खा लिया हूँ और अब थोड़ा सा चावल चढ़ा लिए हैं भात बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी है सुबह का तो वो गर्म करके खा लेंगे उसके साथ। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और टाइम 8:30 हो चुका है, तो खाना वाना खाते खाते 9:30 हो जाएगा, तो अगर जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे और ऑफिस भी जाना है आप लोग को, जैसे कि मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से ढेर सारा थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।